एंट्री है, एंट्री का राइट साइड में पहले बेसिन है, तो बेसिन दीवार से 27.5 सेंटर में हुआ है, ठीक है। और फ्लोरिंग का जो हाइट है वो 18 इंच है, टाइल फिनिशिंग फ्लोरिंग से 18 इंच है, और यहाँ से 6 इंच सेंटर करके ये ठंडा पानी का है और ये गर्म पानी का, ठीक है। यहाँ पे टेबल टॉप बेसिन आएगा और टेबल टॉप नीचा आएगा। अच्छा मामा थोड़ा खा लेता हूँ, ठीक है, चलो आपके बाद बेसिन के बाद, ठीक है। ये है थर्मल रेजर, ये थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट कोलर का है, थर्मोस्टेट वाला। इसमें 4 ऑपरेटर है, ठीक है। एक ऑपरेट है स्पाउट के लिए, ठीक है, दूसरा ऑपरेट है बॉडी हीट के लिए, ठीक है, तीसरा ऑपरेट है ये अपना टेलीफोन शावर के लिए, ठीक है, और चौथा ऑपरेट है रेन शावर के लिए। देखा रेन शावर, ऊपर रेन शावर का पॉइंट है। अच्छा अभी मैं आपको पॉइंट डिटेल बताता हूँ। इसका जो हाइट दिया हुआ है, इसका टाइल फिनिशिंग से ये 3 फुट सेंटर है, ठीक है, ये 3 फुट सेंटर रखा हूँ। तो उसके बाद क्या है, आप मतलब हाइट ऐसे रखो कि यहाँ से ऑपरेट आसानी से कर सको। बहुत दूर का खा लिया, क्या कह रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन आता है इस काम में। तो ये थर्मोस्टेट हो गया, तो थर्मोस्टेट में ये जेट जेट का हाइट दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले स्पाउट का हाइट दिखा रहा हूँ। स्पाउट का जो हाइट है ना वो 24 2 फीट पे है, ठीक है। मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था, ये स्पाउट का हो गया। और उसके बाद में जेट का यहाँ पे रखा है 34 34 44 और 54, ठीक है। तो ये 3 जेट का हो गया, मतलब फ्लोरिंग लगभग तो एक चेस्ट और एक मिडिल और एक लोअर, ठीक है, ये 3 चीज हो गया। एक ऑपरेट करेंगे स्पाउट आएगा, दूसरा ऑपरेट करेंगे बॉडी हेड में तीनों आएगा, और तीसरा ऑपरेट करेंगे टेलीफोन शावर आएगा, चौथा ऑपरेट करेंगे रेन शावर ऊपर आएगा, ठीक है। ये तो अभी रफ है, जब बॉडी हेड लग जाएगा तो मैं आपको वीडियो दिखाना है, दिखाऊंगा, बहुत मस्त आएगा। और यहाँ पे लॉन्ग ट्रे जाली आएगा, 2 फीट का है ना, लॉन्ग ऐसा टाइल्स के ऊपर लॉन्ग ट्रे जाली आएगा, तो उसके हिसाब से उस ट्रे जाली के हिसाब से मेजरमेंट करके ये नेम पे आपको पॉइंट रखा हूँ। तो उसका डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से 9.5 इंच सेंटर है, और यहाँ से 1 फीट सेंटर है, 1 फीट नेक के लिए 11.5 सेंटर है। तो इसका पॉइंट तभी करना पड़ता है, लॉन्ग ट्रे जाली पहले मंगा लेना पड़ता है, मंगा के उसके हिसाब से पॉइंट करना पड़ता है, नहीं तो अंदाजा पॉइंट कर दोगे बाकी सारा ट्रे जाली लगेगा नहीं। सॉरी लैंग्वेज निकल गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये ठीक है, बट काम तो बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, आपको इसका हाइट दिखा दिया। और ये रहा ये टेलीफोन शावर, ये क्या रहता है, जैसे कि टेलीफोन का वो हैंड स्प्रे नहीं रहता है, जैसा टेलीफोन शावर यहाँ पे स्टैंड रहता है, तो उसको आप बैठ के मतलब अलग तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद डब्ल्यू सी का दिखा, दीवार से 27.5 का सेंटर है, ठीक है। और फ्लोरिंग से जो आउटलेट है वो 10 इंची है, एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा रखा है, 11 इंची सेंटर रखा है एक्चुअली, ये मेरे हिसाब से 10 होना चाहिए। तो ये 10 अगर रखेंगे टाइल फिनिशिंग से 10 रखेंगे तो अपना डब्ल्यू सी सीट कवर के साथ में 17.5-18 आ जाएगा, ठीक है, 17.5-18 मैक्सिमम, ठीक है, उससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते। और इस वजह कोलर का ये सीट ये फ्लश टैंक के साथ में ये ब्रैकेट के साथ में ही आता है, ठीक है, इसका नट में भी थोड़ा एडजस्टिंग रहता है, बट ये कोलर का अगर डब्ल्यू सी लगेगा तो इसके हिसाब से ये फिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है। पहले बस 4 का जो पॉइंट है उसको भी साथ में वो फिक्स रहता है, टैंक के साथ में फिक्स रहता है, बस ये टुकड़ा एडजस्टिंग आपको अप डाउन को देखना पड़ता है। और इस काम का पीछे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टाइल्स का फिनिशिंग दिखाना पड़ता है कि भाई टाइल्स का फिनिशिंग लेवल क्या आएगा, उसके बाद में सब मेजरमेंट टाइल्स का फिनिशिंग के बाद ये सब मेजरमेंट क्लियर होता है, ठीक है, टैंक डब्ल्यू सी का हाइट, नल का हाइट, हर एक चीज का हाइट क्लियर रहता है। और ये डब्ल्यू सी के साइड में एक जाली है, ठीक है, टैंक को पहले फिटिंग करके एक्स्ट्रा ब्रेक वॉल हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में वाटर प्रूफिंग करके पानी टेस्टिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, अभी टाइल्स लगेगा उसके बाद में फिनिशिंग कर सकते हो, ठीक है। मुझे जितना आता था उतना मैंने बताया, आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ कमेंट करना हो तो आप कर सकते हो, या मुझे कुछ और अगर बताना चाहते हो मेरे से छूट गया तो आप बता सकते हैं, मेरा इतना नॉलेज है मैंने उतना बताया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।